अर्बन ज्योग्राफी की यूट्यूब लेक्चर सीरीज में इन दिनों हम नगरीय भूगोल की प्रकृति नेचर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको नगरीय भूगोल की प्रकृति से संबंधित डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ व क्वांटिटेटिव एनालिसिस मात्रात्मक विश्लेषण की जानकारी दी थी। आज के लेक्चर में मैं आपको नगरीय भूगोल के अन्य ट्रेंड्स व अप्रोचेस की जानकारी दूंगी, जिससे नगरीय भूगोल की प्रकृति पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी। '1960 के दशक के अंत में नगरीय भूगोल में मात्रात्मक व विश्लेषणात्मक क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल प्रैक्टिसेस व अजम्पशंस मान्यताओं पर सीरियस क्वेश्चंस उठने लगे। स्थानिक विश्लेषण, लोकेशनल एनालिसिस, क्वांटिफिकेशन, मात्राकरण, डिजिटल टेक्निक्स के प्रयोग में अत्यधिक समय व धन खर्च किया गया। इसके पश्चात भी नगरीय समस्याओं का कोई उचित समाधान नहीं निकाला जा सका। नगरीय सामाजिक प्रक्रियाओं, अर्बन सोशल प्रोसेसेस, व्यक्तियों को गणितीय चिन्हों, मैथमेटिकल सिंबल्स, इक्वेशंस, कोएफिशिएंट्स से व्यक्त किया गया। बेसिकली न्यूमेरिक डेटा इनकम्प्लीट होते हैं। सोशल साइंसेस में हम रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स, परिणामों, निष्कर्षों को रेप्लिकेट, पुनरावृत्त व प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और सामाजिक मुद्दों, प्रक्रियाओं के कोई डेफिनेटिव आंसर्स, निश्चित उत्तर भी नहीं होते हैं। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद अध्ययन में जनसंख्या के एक बड़े समूह के स्थान पर इंडिविजुअल्स व छोटे समूहों के अध्ययन को अधिक महत्व देता है। व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट मनुष्य के अपने पर्यावरण को लेकर परसेप्शन के अध्ययन को अधिक महत्व देते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य का अपने चारों ओर के पर्यावरण का एक परसेप्शन होता है, जो उसके अनुभव से उत्पन्न होता है, और उसी के आधार पर वह अपना रेस्पॉन्स देता है, जिससे वह अपने क्षेत्र, नगर आदि के बारे में मेंटल मैप, मानसिक मानचित्र की रचना करता है, और इसी पर उसकी डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया निर्भर करती है। व्यवहारवादी अप्रोच के अनुसार मानवीय गतिविधियों, ह्यूमन एक्टिविटीज़ व अंतःक्रियाओं, इंटरैक्शंस के बारे में समझ को अधिक विकसित किया जा सकता है। मनुष्य के व्यवहार की वास्तविक मान्यताओं, रियलिस्टिक अजम्पशंस व निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही करता है जो उसे लगता है या वह सोचता है कि सत्य है, ट्रू है।
हालांकि बिहेवियरिज्म का उद्देश्य भी नगरीय विकास प्रक्रिया में जर्नलाइजेशन सामान्यीकरण विकसित करना है, परंतु यह क्वांटिटेटिव टेक्निक्स व स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का अल्टरनेटिव है जो इंडिविजुअल्स पर अधिक फोकस करती है। 1970 के दशक के पश्चात विश्लेषणात्मक नगरीय ट्रेडिशन एनालिटिकल अर्बन ट्रेडिशन का एक तार्किक पक्ष लॉजिकल एक्सटेंशन सामने आया है जो सरकारी व निजी एजेंसियों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज की नगर नियोजन अर्बन प्लानिंग एवं नगर विकास की नीतियों एवं कार्यक्रमों पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को वास्तविक धरातल पर लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह टेक्नोलॉजी है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, भौगोलिक सूचना प्रणाली, पर्सनल कंप्यूटर्स की अफोर्डेबिलिटी और GIS सॉफ्टवेयर्स की उपलब्धता ने नगरीय भूगोल के व्यावहारिक पक्ष अप्लाइड एस्पेक्ट को मजबूत किया है। GIS सामाजिक आर्थिक विकास सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्थानिक लक्षणों स्पेशियल एट्रीब्यूट्स को क्वांटिटेटिव डेटा मात्रात्मक डेटा से लिंक करके रियलिस्टिक एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार GIS एक ऐसी पद्धति है जिसके उपयोग से नगरों एवं नगरवासियों अर्बन रेजिडेंस के बेहतर भविष्य के लिए कुछ वास्तविक प्रयास किए जा सकते हैं। 1973 में डेविड हार्वे की पुस्तक सोशल जस्टिस एंड द सिटी प्रकाशित हुई। उनके अनुसार नगरीय समस्याएं पूंजीवाद कैपिटलिज्म के अंतर्गत वर्ग विभाजित समाजों क्लास डिवाइडेड सोसाइटीज़ में उत्पन्न व्यवस्थित असमानताओं सिस्टमेटिक इरेगुलरिटीज़ से संबंधित हैं। हार्वे के अनुसार मात्रात्मक विश्लेषण क्वांटिटेटिव एनालिसिस ने नगरीय अध्ययन को जटिल कॉम्प्लेक्स बना दिया है जिससे नगरीय समस्याओं अर्बन प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं हो सकता है, अतः वे नगरीय मुद्दों अर्बन इश्यूज को समझने के लिए नॉन कैपिटलिस्ट अर्बन फ्यूचर गैर पूंजीवादी नगरीय भविष्य से संबंधित सिद्धांतों को महत्व देते हैं। हार्वे के विचार मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मार्क्सवादी संरचनावाद से प्रभावित रहे हैं। स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद नगरीय मुद्दों व समस्याओं के पीछे के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स संरचनाओं पैटर्न स्वरूपों रूल्स नियमों को समझना अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जिन्हें समझा नहीं गया है व जिन पर ध्यान केंद्रित करके नगरीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। 1980 के दशक में
भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म और उत्तर संरचनावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। ये ट्रेंड्स भूगोल में क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मात्रात्मक विश्लेषण पर आधारित पॉजिटिविस्ट अर्बेनिज्म, प्रत्यक्षवादी नगरीकरण व मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सवादी संरचनावाद दोनों को ही चैलेंज करते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी व उत्तर संरचनावादी भूगोलवेत्ताओं के अनुसार नगर विभिन्न भौगोलिक, सांस्कृतिक, ज्योग्राफिकल, कल्चरल परिस्थितियों व प्रक्रियाओं के परिणाम हैं जिनकी विशिष्ट पहचान होती है। अतः इनके अध्ययन की जनरलाइज्ड थ्योरीज व मॉडल्स, सामान्यीकृत सिद्धांतों व मॉडल्स नगरीय प्रक्रियाओं, अर्बन प्रोसेसेस को सही से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक नगर यूनिक होता है, अतः उसकी समस्याओं एवं विकास के संबंध में विशेषीकृत सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए, न कि जनरलाइज्ड। नगरीय भूगोल मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, बहु अनुशासनात्मक अध्ययन है। हालांकि यह मानव भूगोल की उपशाखा है, अतः इसकी प्रकृति नेचर सामाजिक विज्ञानों सोशल साइंसेस के निकट है और यह प्योर साइंस नहीं है, परंतु न्यूमेरिक डेटा की बढ़ती उपलब्धता, डिजिटल टेक्नोलॉजीज से एनालिसिस की क्षमता के कारण यह नगरीय भूगोल के मुद्दों, अर्बन इश्यूज के स्थानिक विश्लेषण, स्पेशियल एनालिसिस की क्षमता भी रखता है। साथ ही जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली के विकास ने अर्बन ज्योग्राफी को प्रैक्टिकलिटी दी है, जिससे इसका एप्लाइड एस्पेक्ट, व्यावहारिक पक्ष मजबूत हुआ है। परंतु यह भी सच है कि नगरीकरण की प्रक्रिया व समस्याओं को ह्यूमनिस्टिक, मानववादी, बिहेवियरल व्यवहारवादी व फेमिनिस्ट नारीवादी दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू से समझना भी आवश्यक है।